हमारे को पता लगा ऐसे ऐसे काम हो गया, अगर ये कार्रवाई पहले से ही की होती तो ये आज ये काम ना होता। राजेश की मौत ना होती। हाँ जी, क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते? उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मारा। हाँ जी, परिवार में क्या नाम आपका? परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कहाँ से वो पूरा करेंगे? दो बच्चे, छह बच्चे हैं, दो लड़के हैं। हाँ जी, एक बहुत ही दुखद मामला सामने आता है चंद्राओं गांव से, जहां पर 28 वर्षीय राजेश की जो है दुखद मौत हो जाती है। परिवार के तमाम लोग जो है हत्या की आशंका जताते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आपको बता दें कि उसका शव जो है स्कूल के पास मिलता है और उसके बाद सूचना मिलते ही परिवार के तमाम लोग जो है काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए नजर आ रहे कि आखिरकार उसकी मौत का कारण क्या कुछ रहा। परिवार के तमाम लोग जो है हत्या की आशंका जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, उनसे एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से परिवार के तमाम लोग जो हत्या की आशंका जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं स्कूल में। क्या जानकारी कैसे बताया गया, कैसे पता लगा? पता नहीं, लड़कों ने बताया, फोन आया, फलाने जगह पर पड़ा है बंदा। अच्छा, गांव वालों ने बताया। तो क्या लगता है आपको? पता नहीं, उनसे कार्रवाई करी जाएगी, जो लड़के छोड़ के साथ लेके थे। कौन है वो लड़के? गाँव के ही है, गाँव के ही है। कौन कौन है, क्या नाम है? उसमें चार लड़के बताए जा रहे हैं। अच्छा, चार में से दो की डेड बॉडी मिली। नहीं, दो की डेड बॉडी मिली। हाँ जी, कहाँ से? जो चार लड़के थे। अच्छा, बाकी एक तो नहीं, राजेश उनके साथ गया था। हाँ जी, क्या कह के गया था घर पे? ये तो पता नहीं, घर वालों को ही पता होगा। जो घर वाले कौन है? घर वाले क्या कह के गए थे? घर वाले क्या बात हुई थी? बस ऐसे ही गाँव में जा रहा था, कुछ कुछ नहीं। अच्छा, क्या आपको क्या पता चला फिर बाद में? दो लड़के, किसी ने फोन किया कि वहाँ पड़ा है, बस यही, और कुछ नहीं पता। स्कूल के बाद डेड बॉडी पड़ी है। हाँ, फिर एक लड़के ने बताया भी ये लड़के छोड़ गया, दो वो पकड़े गए। वो कौन लड़के, कहाँ के हैं? वो हमारे लड़के तो छह बताए जा रहे हैं ना इसमें। है जी, लड़के छह बताए जा रहे हैं। हाँ, जिसमें दो अरेस्ट हो चुके हैं, पहले भी उन्होंने ये वारदात कर चुके हैं इनके राजेश। हाँ जी, राजेश। और पहली बात ये है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर कार्रवाई करते ये नाकाम होता, पहले भी होनी चाहिए, पहले भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इनको दादा को मारा, फिर इनके डैडी को, अब ये राजेश जी को मार दिया, अब इन्होंने ये काम कर दिया। तो ये वही, अगर ये पहले कार्रवाई होती तो ये काम ना होता। राजेश के भाई को मारा गया। हाँ जी, नहीं, पहले राजेश के भाई को मारा गया, अब राजेश को, ये कहाँ का कानून हो गया? मारने वाले ये गाँव के ही है जी। क्यों मार रहे हैं ऐसा, क्या कारण? ऐसी अगर कोई रंजिश होती तो कार्रवाई भी तो करते है पुलिस वाले, इन्होंने FIR दर्ज भी कराई है। अच्छा, हाँ जी, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ये कहाँ का कानून हो गया? तो ये कौन है लोग चार गांव के? वही तो, हमारे को भी तो पता लगा कौन है, किस चीज की वजह से मार रहे, कौन से रंजिश निकाल रहे हैं। दो लोग ही रास्ते में ले लिया, वो कौन है? वो है वही गांव, गांव के ही है, छह लड़के हैं, दो अरेस्ट हो चुके हैं। उनको भी जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे। कल रात बॉडी मिली? हाँ जी, कहाँ पे मिली, कैसे? वो गांव में ही फेंके गए हैं जी। कितनी उम्र थी राजेश की? राजेश की है जी 28-29 साल जी, दो बालक हैं, छोटे थे। किस चीज से बताया जा रहा मारा, कोई हत्या के? अगर वो मारपीट की या मारपीट जैसे खाया पिया होगा या घर से ले गया होगा या खेतों में बैठा दिया होगा, आजकल ये काम चल रहा है। अच्छा, कहाँ का कानून हो गया? ये शरीर पर कोई निशान है? निशान तो अभी पता लग जाएगा जैसे इसकी डेड बॉडी मिलेगी। आपने देखे थे? डेड बॉडी देखी किसी ने भी? क्या हमने तो डेड बॉडी देखी नहीं हमने, अब सुबह हमारे को पता लगा ऐसे ऐसे काम हो गया, अगर ये कार्रवाई पहले से ही की होती तो ये आज ये काम ना होता। राजेश की मौत ना होती। हाँ जी, क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते? उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मारा। हाँ जी, परिवार में क्या नाम आपका? परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कहाँ से वो पूरा करेंगे? कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, छह बच्चे हैं, दो लड़के हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद मामला सामने जरूर आता है कि किस तरीके से परिवार जो इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजेश जिसकी उम्र महज 28 साल थी उसकी जो है बॉडी मिलती है स्कूल के नजदीक। अब उनको सोचना चाहिए था, अब छोटे छोटे गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, हम इतने कोई अमीर तो है नहीं कि जाकर पैसे भर देंगे और करवा लेंगे अपना काम, और 400-500 कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई दे देंगे लोग, दे 10-10 लाख 20-20 लाख अपना काम करवा ले, हम आराम से बैठे रहेंगे। छोटे छोटे बालक हैं, उनको कौन देखेगा बताओ? कोई सरकार जिम्मेवार है या कानून जिम्मेवार है इस चीज का? हमारे को इस चीज का कोई प्रूफ भी तो दे, हमारा अगर कोई कार्रवाई की होती तो उनका हमारे को कोई चिट्ठा भी तो देते, हमने इनको अरेस्ट किया है, आज ये काम कर दिया कल किसी और को मार देंगे, कहाँ का कानून हो गया? हमारे को तो आज तक ये नहीं समझ लगी। पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी अगर हम पोस्टमार्टम में अगर ये बात में भी कह दे कि कोई निशान नहीं है, दो साल हो गए फिर पिछले उसके पापा के रिपोर्ट तक ये नहीं समझ लगी। पहले और खत्म कर दिया, परिवार ही खत्म कर दे, छोटे छोटे बच्चे रोड रहे हैं, पापा खत्म कर दिया, बेटा जी चले गए। अगर जमीनी विवाद था कोई कानून भी तो बैठा होगा, अगर इन पे तो कोई कार्रवाई होती? कोई कार्रवाई नहीं करता।
चार लोगों को ऐसी पुलिस वाले को तो पैसे चाहिए बस, कुछ नहीं चाहता। और पैसे के पहले जांच तो की मांग तो करो। मांग करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बापा मारिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगा बेटा मारिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पोता मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ गए पुलिस वाले, सो रहे हैं क्या? इनको सिर्फ पैसे से मतलब है? कोई गरीब जनता को भी तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई मतलब नहीं है किसी से। हम भी तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, अगर हम काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अगर जब पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सीधा प्रधानमंत्री के पास थोड़ा जाएंगे हम, तो सीधा अपना कानून कार्रवाई करेंगे। अगर जब हमारे को इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे कहाँ पर? यहाँ हमने कहा था, मैं कहा हम लाश नहीं देते। पुलिस वालों ने यहाँ जिप्सियां जिप्सियां करवा दी, लेके कहे ना हम थारे को डंडे मार मार के उठवा देंगे यहाँ से। तुम कैसे निलाश ले जाते? प्रूफ नहीं मिला बताओ जी। पहले कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं दिया। प्रूफ कैसे मिलता? कार्रवाई करते तो प्रूफ मिलता। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं की, कैसे प्रूफ मिल जाता? फिर बैठ जाते हैं। कार्रवाई करते हो तो प्रूफ मिलता। सारा परिवार खत्म कर दिया। अब क्या मांगा? अब मांग क्या है? हम तो यही कहते हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी। कौन से गांव का मामला है ये? चंद्राऊ गांव का। इन लोगों से क्या कुछ रंजिश है तो देखते कि किस तरीके से चंद्राओं गांव का पूरा मामला है, जहां पर 28 वर्षीय युवक का जो है एक शव मिलता है स्कूल के पास, संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। उसके बाद परिवार के तमाम लोग जो है हत्या की आशंका कहीं ना कहीं जताते हुए जरूर नजर आ रहे, क्योंकि एक बहुत ही दुखद मामला पूरे परिवार को जैसी तरीके से बताया जा रहा है खत्म हो जाता है। पहले राजेश के भाई की जो है मौत हो जाती है, पिता की मौत हो जाती है, और अब फिलहाल राजेश जैसे दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय है, लेकिन परिवार के तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल के नज़दीक, गाँव के जो स्कूल के नज़दीक रात को राजेश का शव मिलना कहीं ना कहीं परिवार के लिए जो काफ़ी दुखद जरूर है, काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला जरूर सामने आता है। मुकुश तीजा, करनाल की न्यूज़, करनाल।